अंबिकापुर जिले के रामगढ़ में आषाढ़ से प्रथम दिवस का 2 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है। मान्यता है कि कालिदास के मेघदूत का मंचन करने से बारिश होती है और आषाढ़ का महीना शुरू हो जाता है। कार्यक्रम में शामिल होने प्रदेश के पुरातत्व और संस्कृत मंत्री अमरजीत भगत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि माना जाता है कि भगवान श्री राम वनवास इसी रास्ते से होकर गए थे। प्रदेश सरकार ऐसे ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को खींचने का काम कर रही है। आषाढ़ प्रथम दिवस में रामगढ़ में 2 दिवसीय आयोजन होता है, जिसमें कालिदास जी के मेघदूत का यहाँ वाचन होता है, कवि सम्मेलन होता है, शोध पत्रक का यहाँ पर वाचन होता है और लोक कला का भी प्रदर्शन होता है। आज दूसरा दिन है और अंतिम दिन है और ऐसी मान्यता है कि जब यहाँ पर कालिदास जी के मेघदूत का यहाँ मंचन और उसका पाठन होता है।